नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आईको के नए स्मार्टफोन आईको 9 सीरीज के बारे में। ये जो आईको स्मार्टफोन बनाते हैं गाइस, ज्यादातर स्मार्टफोन गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होता है गाइस, क्योंकि वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे स्मार्टफोन से लोग गेम खेले एंड उसी के साथ साथ और भी जो काफी सारी चीजें हैं उसका भी लोग सेम तरीके से मजा उठा पाए। तो ये कंप्लीट पैकेज आईको हमें ऑफर करते हैं। इस बार आईको 9 सीरीज में हमें 3 फोन देखने को मिलेगा जो मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहेगा। सारे के सारे डिटेल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्पेक्स, प्राइस रेंज, फीचर्स, कब आएगा ये फोन, सारा का सारा डिटेल्स आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है गाइस, आईको एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है। ये अपने कस्टमर को टॉप लेवल की परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस के साथ साथ ये अपने कस्टमर को और भी बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आईको का जो लिंकअप है ये वीवो के साथ है, मतलब वीवो का जो कैमरा मॉड्यूल है ये आईको पर भी इस्तेमाल किया जाता है गाइस, जिससे इसका कैमरा मॉड्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाते हैं। अक्सर गेमिंग स्मार्टफोन में कहावत है कि उसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों आईको में आपको कैमरा बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है सारे के सारे फोन में, एंड स्पेशली 9 सीरीज में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपको याद है तो कि लास्ट टाइम जब पबजी का टूर्नामेंट हुआ था, सारे के सारे प्लेयर्स आईको की फ़ोन यूज़ किए थे। आईको 7 उस दौरान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था हमारे इंडिया में। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। 6.56 इंचेस का डिस्प्ले आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। 10 बिट डिस्प्ले यहां पे ऑफर किया गया है। जनरली आज के फोन में दोस्तों 8 बिट डिस्प्ले यूज होता है, लेकिन दोस्तों यहां पे 10 बिट है। इसका डिफरेंस क्या है, 8 बिट से 10 बिट ज्यादा ब्राइटर होते हैं, ज्यादा स्मूथ होते हैं, तो इसके कारण यहां पे आपको 10 बिट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको यहां पे इंटेलिजेंट डिस्प्ले चिप देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक गेम समझो 60 हर्ट्ज पे बनाया गया है, लेकिन दोस्तों आप इसको 90 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज पे भी लेके जा सकते हो, इसको खेल सकते हो, इसका मजा उठा सकते हो। इसी के साथ आपको यहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा एंड 1000 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल जाएगा इस फोन में, जो काफी अच्छा लगा मुझे पर्सनली। इसी के साथ एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा ये फोन एंड फन टच ओएस 12 आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के मामले में टॉप लाइन एकदम ये फोन बरकरार रखे हैं गाइस। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन की प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर के मामले में आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम का भी फंक्शन इस बार आपको आईको 9 सीरीज में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको पता है गाइस, स्नैपड्रैगन 888 प्लस थोड़ा सा जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, हॉट कर देते हैं माहौल को। इसको बरकरार रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए इस बार यहाँ पे वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम को ऐड कर दिया गया है आईको की तरफ से, ताकि आपके फोन का जो टेम्परेचर है ये कम रहे, ये बरकरार रहे, ये ठंड रहे, ताकि आपकी गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो मजा है, ये आप प्रॉपर तरीके से उठा पाओ। मैं अगर आपसे एक सवाल करूँ दोस्तों कि एक गेमिंग स्मार्टफोन बाय करते वक्त आप क्या क्या चीज नोटिस करते हो, मैं अगर मेरी बात करूँ, हाई रिफ्रेश रेट, हाई टच सैंपलिंग रेट, डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए, उसका प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए एंड कूलिंग थोड़ा सा बरकरार रहना चाहिए, बैटरी अच्छा होना चाहिए एंड फास्ट चार्जिंग वगैरह होना चाहिए, बस इतने में काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा मॉड्यूल, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको कैमरे के मामले में पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जहां पे सोनी का सेंसर यूज किया जाएगा, उसी के साथ OIS सपोर्ट आपको इस फोन में देखने को जरूर मिल जाएगा। 30 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा आपको इस फोन में पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा। 16 मेगापिक्सल का सेंटर पंचो स्टाइल में कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा। गाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फीचर इस बार आईको 9 सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा, जो है गिम्बल स्टेबलाइजेशन। इसका सीधा सीधा मतलब है, जिसको पता है वो जानते हैं, जिसको नहीं पता मैं आपको बताता हूँ, कि आप मान लो एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, रिकॉर्डिंग करते वक्त आपका हैंड शेक हो रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो भी शेक हो जाते हैं गाइस, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका हाथ जितना भी चाहे आप हिलाओ, वीडियो बिल्कुल ही स्मूथ तरीके से चला जाएगा। इसका ही सीधा सीधा मतलब है कि गिम्बल स्टेबलाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छा है, कमाल का फीचर इस बार मुझे यहाँ पे लगा। इसी के साथ आप पीछे की तरफ 4K 60fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड फ्रंट में 1080p 30fps पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बैटरी के मामले में आपको यहाँ पे 4350 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो मुझे कम लगा है सीरियसली।
मिनिमम 5000 एमएएच होता तो बेहतर होगा, 4500 एमएएच भी अगर दे दिया होता फिर भी दोस्तों ये ठीक ठाक था, लेकिन दोस्तों 4350 एमएएच गेमिंग स्मार्टफोन के लिए शायद कम है। 120 वाट की फास्ट चार्जर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। देखो अभी यहाँ पे तीन वेरिएंट्स आने वाले हैं, पहला वेरिएंट्स होगा iQOO 9 Pro, दूसरा वेरिएंट्स एंड तीसरा वेरिएंट्स होगा iQOO 9 SE। जी हाँ दोस्तों, एसी का जो प्राइस है ये सबसे कम रहने वाला है, ये करीब आपको 34 से 35,000 के बीच में आ जाए, एंड बाकी जो दो है वो आपको करीब 40,000 के ऊपर वाले प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा गाइस। अभी देखो यहाँ पर आपको LPDDR5 का रैम यूज किया जाएगा, UFS 3.1 का यूज किया जाएगा जो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो ये सारा का सारा लेटेस्ट चीजों से बना हुआ एक स्मार्टफोन आपको इस बार iQOO 9 सीरीज के तरफ से देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करते हुए आप जरूर बता सकते हैं, एंड मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर मुझे नीचे कमेंट करते हुए बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो बना रुके वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, उसी के साथ साथ दोस्तों शेयर कर दे वीडियो बहुत सारे लोगों तक, ताकि ये वीडियो देखकर उससे पता चले कि iQOO 9 सीरीज में इस बार क्या क्या स्पेक्स रहने वाले हैं। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बजा दो, उसी के साथ ऑल पे कर दो ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। बस दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नए कोई वीडियो में नए कोई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, स्टे होम स्टे सेफ।